राजीव जी, पहली बात तो ये कि 20 जून को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर गए थे और स्टेटहुड की बात मोदी जी ने श्रीनगर में की थी। तो ये राहुल गांधी अकेले ये बात नहीं कर रहे हैं, और अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे। अगर उनका यही राहुल गांधी में विरोध है तो ये कहकर दिखाएं कि स्टेटहुड नहीं देंगे, जी ये वो कह नहीं सकते। देखिए मामला क्या है कि जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के चुनाव की निगाह पूरी दुनिया की निगाहों पर है, पूरी दुनिया इस चुनाव को देख रही है। और वहां पे अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीत कर आते हैं तो अंतरराष्ट्रीय भद पिटेगी मोदी साहब की, कि आपने 370 भी हटाया और ये भी कहा कि ये राज्य के भलाई के लिए किया गया है, लेकिन वहां के लोगों ने इसको रिएक्ट कर दिया। प्रेम कुमार जी की बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा में या दूसरे जगह के चुनावों में वो कश्मीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये 370 से कश्मीर में चुनाव नहीं जीत सकते, कश्मीर के बाहर जरूर वो मुद्दा बनाते हैं तो वो है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हरियाणा में स्थिति इतनी खराब है बीजेपी की इस वक्त, और खट्टर जी ने 10 साल 9.5 साल में इतना काम बीजेपी का कर दिया है खराब, कि वहाँ पे बहुत मुश्किल है। मतलब अगर अभी का अगर आप देखें तो बीजेपी वहाँ बहुमत से बहुत दूर रहने वाली है, और जिनके सहारे पिछला चुनाव भी बीजेपी हारी थी वहाँ पर, हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और इस बार भी स्थिति बहुत खराब है। और इस बार तो वो जेजेपी का बीजेपी से हाथ मिलाने के वजह से जेजेपी की स्थिति बहुत खराब है। उनके 10 में से 7 MLA तो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, बिल्कुल तो इसलिए बीजेपी जो की परेशानी जो है जम्मू कश्मीर को लेकर ये है। दूसरी बात, गुलाम नबी आजाद से कहलवाए ना, आपकी पार्टी के अलायंस से अलाई से अलाई है, वो आपके सहयोगी है, आप ही ने पार्टी बनवाई है उनकी वहां पे। गुलाम नबी आजाद तो क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? गुलाम नबी आजाद को प्रोजेक्ट कर। और दूसरा कि जम्मू कश्मीर का जहां तक मामला है, जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, सारी सीटें फाइनलाइज हो चुकी हैं, और जो जो देख अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है कि वैली में यानी कश्मीर में ज्यादा सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस लड़ेगी। साफ साफ इंडिकेशन है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बने, चुनाव अगर जीत कर आते हैं। ये परेशानी है वहां कि पूरी दुनिया की निगाह जो है वो कश्मीर पर है, और कश्मीर में आप चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि आपने गुलाम नबी आजाद को लिया हुआ था। याद कीजिए कि लोकसभा के चुनाव में कश्मीर में कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया, स्थिति इतनी खराब है। आप कश्मीर को देश का हिस्सा कौन नहीं मान रहा है? कश्मीर को बीजेपी ने देश का हिस्सा नहीं माना, अगर देश का हिस्सा माना होता तो चुनाव में खड़े होते। जहां तक बॉर्डर ट्रेड की बात है तो बॉर्डर ट्रेड सेंटर के प्रेरोगेटिव में है, राज्य सरकार नहीं कर सकती अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड केंद्र सरकार के हिस्से में आता है, और वो भी उसकी भी बातचीत होती है, वो केंद्र सरकार से बातचीत होगी पाकिस्तान से, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात नहीं होगी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह, जो कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कश्मीर में थे, हमने अपनी आंखों से देखा,
राहुल गांधी की लोकप्रियता कश्मीर में बहुत ज्यादा है, अभी जो आपने क्लिप सुनाई उससे भी नजर आता है। और ये बात कहकर राहुल गांधी ने कि हम स्टेटहुड देंगे, ये एकमात्र मुद्दा बन जाएगा जी। यही एक मुद्दा, इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, और इस मुद्दे पर चुनाव होकर अगर बहुत अच्छी मेजॉरिटी से कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस चुनाव जीत कर आते हैं तो ये बड़ा भारी सेटबैक होगा, पर्सनल सेटबैक होगा मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। परेशानी यहां है कि देश के बाहर क्या इज्जत होगी, क्या लिखेगा न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, क्या बातें होंगी दुनिया भर की पार्लियामेंट में। ये असली मुद्दा यहां है कि कश्मीर का इशू अंतर्राष्ट्रीय इशू है। 370 जब विड्रॉ हुआ था तो पूरे दुनिया में इसकी इसकी आलोचना हुई थी, और अब जो चुनाव नहीं कराए तो उसकी बहुत आलोचना हुई। आपकी तो मंशा फिर भी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पे आप चुनाव करवा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से चुनाव कराना पड़ रहा है। तो अगर चुनाव होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव हो ही रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां भारी बहुमत से जीत कर आती है और एकमात्र मुद्दे पर जीत कर आती है, स्टेटहुड के मुद्दे पर, और वहां की असेंबली स्टेटहुड का प्रपोजल जो है वो पास करके भेजती है, तो मोदी साहब के लिए ये फिर एक बहुत बड़ी परेशानी की बात होगी, बहुत डिलेमा होगा कि क्या करें, क्योंकि मोदी साहब खुद 20 जून को श्रीनगर में स्टेटहुड कल करना पड़ेगी। तो पीडीपी से अभी हमारे साथी बता ही चुके हैं कि पीडीपी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी। पीडीपी का ऑन रिकॉर्ड अफजल गुरु पे क्या स्टैंड है सब जानते हैं। पीडीपी का कश्मीर के इशू पे 370 पे क्या स्टैंड है हम सब जानते हैं। तो पीडीपी के साथ मिलकर तो आप सरकार बना चुके भाई, आप क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी बात देखिए राजीव जी, जब से अभी हाल फिलहाल में आप देखिए जो धारा 370 हटाने का जो दावा था कि आतंकवाद रुक जाएगा, तो आतंकवाद की दुर्घटनाएं बढ़ गई वहां पर। अभी आप देखिए कि इसी साल मतलब अभी 6 महीने 8 महीने का अगर रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 37 नागरिक और 20 के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की मौतें हुई हैं आतंकवादी घटनाओं में। रोज दो घटनाएं जरूर आती है इस अखबार की सुर्खियों में और मीडिया की सुर्खियों में, कोई ना कोई रेल जरूर पटरी से उतरती है देश में और कोई ना कोई आतंकवादी घटना कश्मीर में होती है। कहाँ गए वो दावे? कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ प्रेस आजाद नहीं है, वहाँ आपने अभी चुनाव घोषित होने से पहले 200 अफसरों के ट्रांसफर किए, क्यों किए? और दुनिया भर की दावे आपने किए थे, एक भी कश्मीरी पंडित को आप वापस नहीं ले जा पाए, किसको, किसी भी स्थापित को वापस आपने वहां बसाया, एक भी कश्मीरी पंडित को वापस नहीं बसा पाया। दुनिया भर का सोशल मीडिया पे आईटी सेल ने वो किया कि कश्मीर में प्लॉट मिलेंगे, महिलाओं के बारे में जो बातें की गई वो तो हम यहाँ पे नहीं कहना चाहते, लेकिन बहुत एक दुष्प्रचार कश्मीर के बारे में किया, जिसको आप कहते हैं भारत का मुकुट है, अपने ही राज्य के अपने ही देश के हिस्से के बारे में आप इतना दुष्प्रचार करते हैं, इतनी खराब बात बोलते हैं कि मानो कि कश्मीरी होना ही आतंकवादी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो सरकारों में रहे, वो कश्मीर का एक्सेशन जब भारत में हुआ तो
शेख अब्दुल्ला का बड़ा रोल था, बल्कि उल्टा रोल तो महाराजा हरि सिंह का था। मैं उतनी इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कश्मीर के लोगों के प्रति इतना असंवेदनशील था कि अगर वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार बनने की संभावना दिख रही है, वहाँ राजनीति वापस लौट रही है, तो आपको परेशानी है इस बात से कि कश्मीर के लोगों का हक चुनी हुई सरकार के लिए नहीं है। आप ही जब ये चुनी हुई सरकार गुलाम नबी आजाद को बना दीजिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट, कश्मीर को कश्मीर के लोगों का हक है, संवैधानिक अधिकार है कि उनके पास भी चुनी हुई सरकार हो। उसके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को ये हक ना मिले कि उनको उनके पास चुनी हुई सरकार हो। वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल में ही रहे, चुनाव के ठीक पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी तमाम सारी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं, वो सब आगे डिबेट होगा। लेकिन ये देश हित में नहीं है इस तरीके का नैरेटिव खड़ा करना कि आप हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए एक देश के हिस्से का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीनने की काम कर रहे हो, ये बहुत असंवेदनशील है। कितनी सीटें बढ़ जाएंगी आपकी हरियाणा में इस वजह से? चुनाव जाइए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, रैलियां कीजिए, चुनाव में पार्टिसिपेट कीजिए, बिल्कुल गुलाम नबी आजाद को आगे आगे रखिए। कौन रोक रहा है आपको? गुलाम नबी आजाद को बुलवा लीजिए, दिल्ली बुलाइए, उनसे चर्चा कीजिए। चश्मा भी ठीक करा सकते हैं दिल्ली में, चश्मे ठीक होते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन आप अगर एक नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं देश में, तो नकारात्मक राजनीति को तो 4 जून को इस देश ने जवाब दे दिया। अब वो आपकी आदत पड़ गई है कि वो आपको संगीत लग रहा है, आपको बार बार ऐसा चीजें सुनाई पड़नी है, तो आप कीजिए ये सब चीजें, लेकिन ये ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक परिपाटी के हिसाब से ठीक नहीं है, एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से ठीक नहीं है कि आप एक राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। आपका अगर विपक्ष प्रतिरोध करिए, विपक्षी पार्टियों कीजिए, उनकी नीतियों पे कीजिए। अगर राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो स्टेटहुड देंगे, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, रैलियां कीजिए श्रीनगर में जाके, और कहिए कि हम राहुल गांधी का विरोध करते हैं और स्टेटहुड नहीं देंगे। राजनीति कीजिए ना। जी राजी जी, बिल्कुल राजनीति कीजिए। और राजनीति के इस अभी तो उसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है, लोकसभा चुनाव के बाद से फिर से विधानसभा चुनाव की बारी अब है और लगातार चुनाव होंगे, जो बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन चूंकि कश्मीर का मसला 2 दिन के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गए, जम्मू भी गए और श्रीनगर भी गए और